बलरामपुर में जिला मुख्यालय में DAB इंटर कॉलेज मैदान छोटा परेड ग्राउंड परिसर में मुखिया डॉक्टर अयूब सर्जन द्वारा पूर्ण स्वराज रैली आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अयूब सर्जन तथा उनके साथ पीस पार्टी व अन्य गठबंधन पार्टियों के नेताओं ने रैली आयोजित कर जनसभा को संबोधित किया। डॉक्टर अयूब ने कहा कि अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार में हमारे देश को और राज करों की नीति अपनाते हुए सदियों गुलाम बनाए रखा और देश का खजाना खाली करते रहे। स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास से देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी आसमान से गिरी तो खजूर में अटक गई। आज़ादी के देश के चंद बड़े औद्योगपति घरानों में देश पर अपनी पसंद की पार्टियों के जरिए देश के शासन और प्रशासन पर कब्जा कर लिया और उसी तरह खजानों को अपने फायदे की नीतियां बनाकर खाली करने का काम कर रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए ये पार्टियां भी देश में धार्मिक व जातीय उन्माद महका पर फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। देश का विकास ठप है, सरकार विदेशों से कर्ज पर कर्ज ले रही है और देश के कमाऊ प्रतिष्ठानों की बिक्री करके उद्योगपतियों को सौंप रही है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और अशांति अपने चरम पर है। किसान, मजदूरों, गरीबों के साथ साथ समाज के हर वर्ग का शोषण, दमन व उत्पीड़न हो रहा है। पीस कमेटी शासन के गलत नीतियों के विरुद्ध तथा शोषण, दमन, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार व अन्याय के विरुद्ध अपने जन्म के संघर्षरत हैं तथा जन जागरण कर रही है। इस अवसर पर पार्टी के लोग मौजूद रहे। उसके विरुद्ध कुछ भी बात करता है, उसके पॉलिसियों की मुखालफत करता है, उसके खिलाफ या तो बुलडोजर का इस्तेमाल करता है, ईडी और CBI का और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करता है या उसे जेलों में डालने की कोशिश करता है। इस पार्टी अपने वजूद से ही 2008 से भाजपा, सपा, बसपा के जितने भी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर मानव के साथ भेदभाव था उसकी मुखालफत करती रही, उसका विरोध करती रही है। और भाजपा के विरोध के कारण ही हमें दो बार जेल भाजपा की सरकार में 2017 में और 2020 में जाना पड़ा था। और मैं शुक्रिया मेरे रब का करता हूँ, जनता का करता हूँ और साथ में हाई कोर्ट का कि उन्होंने पहली सुनवाई में पहले भी जमानत दी और इस बीच 2020 में उन्होंने NSA और राजद्रोह दोनों मुकदमा हमारे खिलाफ लगाया, क्योंकि हमने कहा था कि हम किसी के विचारधारा से सहमत नहीं हैं, बल्कि हम जिस मजहब को मानते हैं उसकी विचारधारा पर चल के देश और समाज का सेवा करना चाहते हैं। जो एडवाइजरी बोर्ड है सिटिंग जज हाई कोर्ट के और दो रिटायर्ड जजों के बेंच ने हमें NSA से निर्दोष साबित कर दिया, NSA वापस ले लिया। और आज ही के दिन बड़ी इत्तफाक है कि आज जिस दिन हम लोग सपोर्ट स्वराज रैली का आयोजन कर रहे हैं, आज ही के दिन हाई कोर्ट ने जो FIR इन्होंने किया था सेडिशन का, राजद्रोह का, वो आज माननीय हाई कोर्ट ने उसे आज खारिज कर दिया है। मैं समझता हूँ कि असल में संपूर्ण स्वराज को देने का काम सरकारें और राजनीतिक दल नहीं कर रही हैं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर रही है। और यही वजह है कि आज जनता का विश्वास कोर्टों में मौजूद है पर किसी राजनीतिक दल या किसी सरकार में नहीं है। जो भी सरकार अभी तक रही है उन्होंने या तो अपने धर्म के मानने वालों को, अपने जात के मानने वालों को प्रेशर दिया है, और जो भी दूसरे समाज और धर्म और जात के थे उनके साथ भेदभाव किया, उनके साथ अत्याचार किया है। और आज भाजपा की सरकार उसी राह पर चल रही है, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, कमजोर सबल वर्गों के साथ वो अन्याय कर रही है। और इस अन्याय को लोग सह रहे हैं ताकि अभी आज वो सत्ता में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही सत्ता से बेदखल हो गए और एक ऐसी सरकार आएगी, मानववादी सरकार आएगी, इस पार्टी और किसान पार्टी के सहयोग से बनेगी, जो धर्म के नाम पर भेदभाव खत्म करेगी और जात के नाम पर जो भेद है, जो लोगों का प्रताड़ना हो रहा है उसे भी खत्म करने का काम करेगी और सभी लोगों को जो भी इस देश का नागरिक है समान अधिकार और स्वतंत्रता के साथ, सम्मान के साथ विकास का अवसर देगी। आप सभी लोग आए, आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।